टू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों को जैसे कि थंबनेल से आइडिया हुआ होगा कि आज की जो वीडियो है वो है हमारी माइक्रोवेव ओवन की क्लीनिंग से रिलेटेड। आपने अक्सर देखा होगा कि माइक्रोवेव ओवन में जब आप बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होता है तो अक्सर आपको जो है इसमें बहुत सारे स्पॉट्स और बहुत सारी जो है वो ग्रीस दिख रही होती है, गंदगी हो रही होती है, जिसको ज़ाहिर है क्लीन करना इतना आसान नहीं होता। तो जैसे कि ये देखिए कि इसकी जो ट्रे है ये बहुत गंदी हो रही है, तो मैं आज आपसे ये टिप शेयर करूँगी कि इसको हमने कैसे क्लीन करना है कि इसमें इसकी स्मेल भी निकल जाए और ये क्लीन भी रहे। तो सबसे पहले तो आप इसकी इस ट्रे को निकाल लें और नॉर्मल मैक्स या जो लिक्विड आपका डिश वॉश हो आप उससे इसको धो लीजिए। जिस जगह पे आपको लगे कि बहुत प्रिसाइज है काम, वहाँ पे आप टूथब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ग्रीस बहुत ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पे टूथब्रश के इस्तेमाल से इसको क्लीन किया है। इसी तरह से और जहाँ पतली पतली लाइन हो वहाँ पे आप इसमें इसको टूथब्रश के यूज़ से इसको साफ कर लीजिए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सारी ग्रीस भी ख़त्म होती जा रही है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, सारी चिकनाई और सारी जो इसमें जो गंदगी है वो सब इसमें आराम से क्लीन होती जा रही है। अगर स्टेन्स हैवी हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए यूज़ करें और स्प्रे करके आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब फर्दर मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसके अंदर से इसकी ये रबर भी रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद आपको जो नॉर्मल इसकी डस्टिंग करनी है, आपको अगर लग रहा है कि इसमें मिट्टी है तो आप उसकी क्लीनिंग कर लीजिए किसी कपड़े की मदद से। और उसके बाद आपको मैं एक स्प्रे बताती हूँ, जो स्प्रे आप बहुत इजीली हर जो है ग्रीस से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए मसले के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि जो मेरे इन्ग्रीडियंट्स हैं मेनली वो है वाइट विनेगर। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो एप्पल साइडर विनेगर यूज़ ना करें और सिर्फ आप इसमें जो है वो नॉन फूडी जो है वो विनेगर यूज़ करें। सेकंड जो है वो है बेकिंग सोडा और जो थर्ड है वो है लिक्विड डिश वॉश। ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने इसका एक स्प्रे को इसे सबको एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर लिया है। मैंने तकरीबन हाफ कप विनेगर लिया और 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें लिक्विड डिश वॉश यूज़ किया है और उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा यूज़ किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इस सबको मैंने मिक्सचर बना लिया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि सारे एंजाइम्स आपस में जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद अब मैं ये करूँगी कि मैं स्प्रे बॉटल की मदद से इस पूरे के अंदर इसको स्प्रे कर दूँगी। बेकिंग सोडा से ये होगा कि सारी स्मेल निकल जाएगी, डिसइंफेक्ट हो जाएगा सारा, ये देखें, और सारी जो ग्रीस है वो रिमूव करने में आपको लिक्विड डिश वॉश हेल्प करेगा और जो वाइट विनेगर है वो आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ये लगाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसकी सफाई शुरू करें। आप यकीन करें ये बहुत इफ़ेक्टिव है और ये ऐसा क्लीनर है जो आप और भी कोई ग्रीस अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे हो तो आप उसको आराम से रिमूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका जो ग्रीस है वो बहुत ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा लगा के और उसके बाद आप इसको इसका रिज़ल्ट देखिएगा। अब आप ये देख सकते हैं हॉट प्लेट को मैं नॉर्मल मैक से साफ़ किए क्योंकि इसमें ऐसे कोई स्टेन्स नहीं थे, कोई चाय वगैरह गिरी हुई थी जो कि नॉर्मल आप मैक से धो सकते हैं। इसके अंदर की अब आप क्लीनलीनेस देख सकते हैं, कोई ग्रीस नहीं है, कोई हैवी स्टेन नहीं है इसके अंदर, सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है इसमें से।
ये प्रोसीजर आप यूजुअली वैसे मंथ में अगर एक बार कर लें तो गुड है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका यूज़ ज़्यादा है और ये ज़्यादा जल्दी जो है वो गंदा होता है, तो फिर आप इसको अपने हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। अब मैं इसमें इसकी रबर रखती हूँ, उसके बाद अब मैं इसमें इसकी हॉट प्लेट रखती हूँ वापस। ये देखें, अब आप ये निशान भी देख लीजिए, सारा स्टेनलेस ये सारा क्लियर हो चुका है, जो यूज़ करते हैं और जो ये निशान होते हैं यहाँ हाथों के, वो सब कुछ बिल्कुल क्लीन हो गए। जहाँ आपको प्रिसाइज काम करना है वहाँ आप टूथब्रश का यूज़ ले हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए सारे निशान बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ये देखिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और ये भी देख लीजिए इसका बाहर से भी, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।